देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको पता है वो अंजलि की बेल हो गई और किसने कराई? अर्जुन सूर्यवंशी ने। पिताजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ सब लोग हैं, सबका प्यार है, पर वे हर एक इंसान मेरे साथ है, आप मेरे साथ हैं प्रीता जी, मुझे और क्या चाहिए? आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रीता जी। आई मीन आप लोग मेरी असल बस, बस 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 आपकी जो ये मीठी मीठी बातें हैं ना, कि मुझे अच्छे से समझ आती हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि आप ये सब कुछ हमारा दिल रखने के लिए कहते हैं, लेकिन आपका जो दर्द है वो आप छिपा के रखना चाहते हैं ताकि किसी को नजर ना आए, लेकिन सबको दिखता है। हाँ, आपको जरा सा भी कुछ हो जाता है ना तो सारी फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। आपको पता है ना सब आपसे कितना प्यार करते हैं। I mean to say, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं मेरा, इतना मत लिया कीजिए, कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। चलो वेल, जो हो गया सो हो गया, इस नेगेटिव चीज के बारे में बात ही नहीं करते। हाँ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। क्या करेंगे आप प्रीता जी? आप, मैंने क्या कहा ना, आप कोई टेंशन मत लीजिए। और आप भी और ना, आज आप जरा इधर आइए, इधर प्रीता जी, आप इधर सोइए आज, मैं उधर, मैं इधर कंफर्टेबल हूँ। कभी तो मेरी बात मान लिया कीजिए। आपकी बात तो मैं खुशी से, आराम से, आराम से। ओके ओके। आप कहाँ सोएंगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए। थैंक यू प्रीता जी। गुड नाइट। गुड नाइट प्रीता जी। मुझे यहाँ से बाहर जाना है क्योंकि मेरी बेटी मुसीबत में है और वो यहाँ से बाहर है, so I have... वो मेरी भी बेटी है। कैसे कह सकते हो तुम ऐसा? शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटी होने और बेटी जैसी होने में बहुत फर्क होता है। इतने से इतना बड़ा किया मैंने उसको, मेरी बेटी है वो। इस दुनिया में मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, अपनी बेटी और पिताजी को शेयर नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ, याद रखना। तो तुम अपने झूठे प्रूफ के साथ उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की। यकीन नहीं आता कि मेरा परिवार तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले हो। अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम ये? अर्जुन, प्यार, पिता ने हमेशा ऋषभ से ज्यादा प्यार किया, मेरा प्यार हमेशा कम पड़ गया अर्जुन, हमेशा कम पड़ गया मेरा प्यार। आज, आज, आज सब खत्म हो गया, आज खत्म ही हो गया। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे क्या कंट्रोल करूं? मेरा प्यार मिस्टर कम पड़ जाता है प्रीता के लिए। अर्जुन प्लीज, तुम लेट हो यहाँ, आओ संभल के। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखना कैसे मैं ऋषभ, उसका नाम, उसकी इज्जत और प्रीता के दिल में अपने पति के लिए जो प्यार है ना, इन सब चीजों पे से मुखौटा उतार कर फेंक दूंगी। निशाना बनाया ना हम लोगों ने तुमको, अब मैं उन लोगों को निशाना बनाऊंगी अर्जुन। बच गए, दवाई का टाइम हो गया। सुन ले ओ माहिया
पिताजी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं मुक्या मुक्या मुक। वो 8 बज गए। आप करण को याद करेंगे? याद करेंगे। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको याद करके हंसती हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज है ना आपकी करण के साथ, वो रूठना मनाना, दूर चले जाना फिर वापस आना, ब्यूटीफुल ना। मैं भी याद करता हूँ, जब आप उसको याद करके खुश होती हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे देखिए सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। अगर आप लोग रो के याद करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या करें, करण ने यही तो कहा था कि हंसते रहना, तो याद करके हंसते रहते हैं, लेकिन हंसाने वाला हमें तो रुला कर ही चले गया। लेकिन जब आप उसको सोच के उदास होती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को फेल कर रहा हूँ। मैंने उसको वादा किया था कि मैं करण की प्रीता को कभी उदास नहीं होने दूंगा, तो अगर आप उदास होंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने भाई को फेल कर रहा हूँ, जो मैं कभी नहीं चाहता। आई एम सॉरी। नो यू डोंट नीड टू बी, जस्ट स्माइल, आप अच्छे लगते हैं। आप बैठ जाइए ना, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, इसीलिए तो मैं भाग भाग के आई। ये लीजिए, ऋषभ जी। एक बात पूछूं? पूछे ना। आपको बुरा लगता होगा ना कि मैं अभी तक और बार बार। प्रीता जी, मैं बस आपका साथ दे रहा हूँ, अपने दिल और दिमाग को साइड पर रख के आपका सिर्फ साथ दे रहा हूँ, और हमेशा वही करूँगा। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपको जब भी किसी हाथ की ज़रूरत पड़े तो आपको उस हाथ को ढूंढने की ज़रूरत न पड़े, वो हाथ आपके पास हो। वो हाथ आपके पास है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हाथ आ जाएगा। फिलहाल दवाई दे दीजिए। ये लीजिए, ये दवाई आपको खाली पेट खानी है। और इसके बाद चाय में? हाँ हाँ, कॉफी या चाय? अच्छा, चाय 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 चाय, ओके, लेकिन आधे घंटे के बाद, क्योंकि मेडिसिन और ब्रेकफास्ट में आधे घंटे का गैप बोला है डॉक्टर ने। हाँ वो तो है, अब मेरे घर में भी तो डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद भी तो माननी पड़ेगी। वैसे आपको नहीं लगता कि आप कभी कभी थोड़ा ज्यादा जबरदस्ती कर देती है मेरे साथ? शायद क्योंकि आप पे मेरी चलती है और कोई सुनता ही नहीं। आती हूँ मैं। तुम मेरे कमरे क्या कर रही हो? मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट? ओके। एक सेकेंड, ऐसे कैसे ओके? मैं तुमसे कोई सिंपल इंक्रीमेंट नहीं मांग रही, ओके? और ना ही मैं टेबल पर कोई नई चीज ला रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ मैं। इतना कोई ड्रिंक करता है क्या अर्जुन? मतलब तुम सिर्फ दिखने के लिए मैच्योर हो, थोड़ा सा अपसेट हो जाते हो, उसके बाद बस तुम्हें ड्रिंक करना होता है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिखता है। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें कल रात को कितना गुस्से में थे, कितनी ज्यादा पी रखी थी तुमने, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। और बस उसके बाद क्या किया मैंने? तुम्हें संभाला। देखो अर्जुन, अगर तुम ड्रिंक करना चाहते हो तो तुम करो, लेकिन अभी नहीं, मेरे लंदन जाने के बाद। क्योंकि उसके बाद ना तुम्हें जितनी ड्रिंक करनी है तुम करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जाना चाहती हो मुझे छोड़ के? जाना चाहती हो बोलो। क्या बोलो? कि जाना चाहती हो? हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लंदन जाना चाहती हूँ तुम्हें छोड़ के, पर मैं नहीं जा पा रही हूँ ना। अर्जुन ऐसे ना स्माइल मत करो, मुझे और गुस्सा आ रहा है, ओके? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम स्माइल करो,
मैं तुम्हें हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। अर्जुन, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, लेकिन फिर भी तुम कितना ख्याल रखती हो, कितनी फिक्र करती हो मेरी। और एक वो है प्रीता, मेरा प्यार हुआ करती थी कभी, उसी के लिए जीता था मैं। हाँ आज मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन अंजलि जब भी मैं उसका बुरा करने जाता हूँ ना, मैं बुरा कर ही नहीं पाता। बुरा करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पीछे हो जाते हैं। और एक वो है, हाँ धोखा सुना है मैंने, लेकिन इन दोनों ने मिलकर तो मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है। ऋषभ ने मुझसे मेरा प्यार, मेरी प्रीता छीन ली। ऋषभ और प्रीता ने दोनों ने मिलकर मेरी जान ले ली, और अब दोनों मिलकर मुझसे मेरी बेटी भी छीनना चाहते हैं। तुम्हें पता है, जब प्रीता और ऋषभ ने दोनों ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तब प्रीता के पेट में मेरा बच्चा था। तुम सोच सकते हो उतनी बेदिल बेरहम कोई इंसान कैसे हो सकता है? अर्जुन प्लीज इतना मत सोचो उन सब चीजों के बारे में, क्योंकि तुम जितना सोचोगे ना उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। मत दो अपने आप को इतनी तकलीफ। अरे क्यों नहीं दूं अपने आप को इतनी तकलीफ में? यही तकलीफ मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है, यही तकलीफ मुझे याद दिलाती है कि अपनों ने मुझे कैसे धोखा दिया था। चुप नहीं बैठूंगा अंजलि, मैं ऋषभ को नहीं छोड़ूंगा, ऋषभ और प्रीता को मैं अलग करके रहूंगा, उन दोनों के रिश्ते को मैं तोड़ के रहूंगा। जब तक मैं ऋषभ को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। मैं रेडी होके आता हूँ, ऑफिस में मिलता हूँ तुमसे। आई विश अर्जुन तुम यहाँ कभी वापस ही ना आए होते, ना तुम यहाँ आते ना यहाँ का कुछ याद आता। जब तक वहाँ थे तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में थे, और यहाँ यहाँ हर पल मैं तुम्हें टूटते बिखरते देख रही हूँ, और ये सब उस ऋषभ लूथरा की वजह से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। हो गया सुबह सुबह तुम लोग? अरे 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 कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मा आराम से कुछ बातें आराम से बोला करो मम्मा, प्रीता जी ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी यार। और मेरे गुस्से का क्या मतलब? मेरे गुस्से की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ ना, तो माँ के साथ तो सब कुछ चलता है, लेकिन बीवी के साथ नहीं चलता। अगर उसे पता चल गया तो वो डांटेगी, और तू उसकी डांट से डरता है। यार मम्मा सुबह सुबह कौन से टेंजेंट में पहुंच गए हो यार? मैंने ऐसा क्या क्या दिया आपको? मैंने यही तो बोला कि प्रीता जी को मत बोलने, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कैसी बात नहीं है, सब कुछ अपने सामने है, सब नजर आ रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि ऋषभ जोड़ू का गुलाम है। जोड़ू का गुलाम मुझे बोल रहे हो और हंस रहे हो? अरे इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अरे तुझे तो प्राउड फील होना चाहिए, ये अपने आप में एक खिताब है, खिताब बहुत बड़ा। क्या है दोबारा? अरे क्या 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 आपको पता नहीं है जीज, डैडी जी भी जोरू के गुलाम है। सृष्टि सॉरी। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है राखी जी, क्या बच्चे की जान लेंगे? हैं डरा रही है उसे आप इतनी जोर से सृष्टि सृष्टि करके। बेटा तू ही तो इस घर में सच बोलती है, बाकी तो सब झूठे हैं। सबसे बड़ा झूठा यही है। थैंक यू डैडी जी सच का साथ देने के लिए। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। ओए सैमी कुछ सीखो डैडी जी से। क्या सीखना? लो ट्यूबलाइट। बेटा सीखना ये है कि जिंदगी में अगर पत्नी को खुश रखना है और जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो पत्नी की गुलामी करना सीखो, क्योंकि गुलामी में जो बादशाहियत है ना वो किसी चीज में नहीं है। ओए बादशाह चुप कर, सुबह से बेकार की बातें कर रहे हैं। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, महेश जी कभी कभार बहुत गलत बातें करते हैं। ले नाराज हो गया। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, हम भी गुलाम हैं, मना लेंगे। रहने दो। डरा क्यों रही हो समीर? हाँ जी। मेरी राय मान, जिंदगी में अपनी पत्नी से बहुत प्यार कर, फिर देख जिंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है। पर चाची मैं तो ऑलरेडी बहुत करता हूँ ना। क्या गुलामी? बीरी जी प्यार प्यार करता हूँ आपसे, बहुत प्यार करता हूँ। बेटा हम वही समझा रहे तुझे, निकल गया। गुलामी करना शुरू करे। आई लव यू, मैं ध्यान से रखना, मैंने दवाई खा ली और प्रीता जी को बताना मत मैं यार। अरे लो एक गुलाम और गया। प्रीता जी का फोन।
कहाँ है ऋषभ जी? मैं तो मतलब वो नहीं, मैं बस इधर ही, बस पास में ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बात कीजिए, पहले जरा गाड़ी पार्क कीजिए फिर बात कीजिए। हाँ नहीं, एक मिनट मैं गाड़ी रोकता हूँ। आप रोड पर ही हैं क्या? हाँ नहीं, मैं रोड पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको घर से बाहर जाते हुए देख लिया। और इतना ही नहीं, आप जाते जाते जो सबको कह रहे थे ना, वो भी सुन लिया। कौन सी बात? वो जोरू का गुलाम वाली? जोरू के गुलाम? नहीं वो, आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, जब तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों गए? देखिए आपको सिंपली समझाती हूँ, अगर आप काव्या की तरह बिहेव करेंगे तो फिर मेरा जो बिहेवियर आपके साथ होगा ना, उसके लिए भी आप मुझे कुछ कहना नहीं। वो भी वही होगा, जो काव्या मेरी बात नहीं मानती है मैं उसके साथ बिहेव करती हूँ, वैसे ही आपके साथ करूँगी। डांट पिटेगी आपको, जब बोला है दो तीन दिन रेस्ट कर लो, अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, घर के आपको काटने को दौड़ता है। ऑफिस क्यों चले गए? थोड़े दिन के लिए तो रेस्ट कर लेते ना घर पे। आप गुस्सा मत कीजिए, आई एम रियली सॉरी, और मुझे ये भी मालूम है कि आपका गुस्सा करना बिल्कुल सही है, पर एक्चुअली क्या था ना कि बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और अगर मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं करता ना तो आपको पता है स्टाफ नहीं मैनेज कर पाता है, तो मेरा होना वहाँ पे जरूरी था, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्या आपकी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? आप छोड़ दो वो मीटिंग, आप बस घर आ जाइए। वही तो प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और वो इट विल नॉट बी गुड, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या हो जाएगा अगर आप ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो? हाँ बताइए। कोई प्रोजेक्ट होगा जो आपके हाथ से निकल जाएगा, हेल्थ तो हाथ से नहीं निकल जाएगी ना, उसको तो प्रिजर्व कर लेंगे। बोलिए रीता जी, अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि अब आप काव्या की तरह बिहेव कर रही हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात को आराम से सोया था, सुबह उठ के मैंने दवाई भी खाई, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया एंड आई एम वेल रेस्टेड। बस जाऊंगा, एक मीटिंग अटेंड करूंगा और वापस आ जाऊंगा घर पे। पर आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, आपको मेरी कसम है, अगर आपको ऑफिस में अनकंफर्टेबल लगा इवन फॉर अ टाइनी बिट, तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, सीधा घर आ जाएंगे, आपको मेरी कसम है। हाउ स्वीट पिताजी। हेलो, मुझे आ रही है आवाज पिताजी? हेलो, आप सुन रहे हैं ना मैंने क्या कहा? पिताजी मैं सुन सकता हूँ आपको? हाँ हेलो हेलो, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? ऋषभ जी सीरियस हो गए? ए सृष्टि क्या आपकी और ऋषभ जी जैसी जोड़ी ना, बाय गॉड मैंने आज तक नहीं देखी, सीरियसली। क्यों मतलब? अरे मतलब आप दोनों एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऋषभ जी आपका इतना ख्याल रखते हैं, आप उनकी इतनी फिक्र करते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हो, यार मेरे लिए ना ये परफेक्ट मैच है। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, जिसको जो कहना है कह सकता है, परफेक्ट मैच है या बहुत अच्छी जोड़ी है, लेकिन ये तो सिर्फ ऋषभ जी और मुझे पता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है, एक बहुत ही अनोखा रिलेशनशिप, ना ही टिपिकल हस्बैंड वाइफ जैसा है और ना ही फ्रेंड्स की जैसा है, मतलब एक यूनिक सा वन ऑफ अ काइंड रिलेशनशिप है, तू नहीं समझेगी। ओके व्हाटएवर, मैं नहीं समझूंगी, लेकिन पता है दी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपको ऋषभ लूथरा जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। हाँ अगर आपको कोई अर्जुन जैसा मिलता ना तो ओहो लाइफ की तो बैंड बज जाती, इतनी लड़ाई इतने झगड़े होते। अरे तुम मेरी बात कर रही है, अर्जुन सूर्यवंशी जैसा कैरेक्टर तो दुनिया में किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो इतना बुरा है। अंजलि मैं ऑफिस में मिलता हूँ। ये क्या आप लोग क्यों काम कर रहे हो, सारे हेल्पर्स कहाँ हैं? इस घर में ज्यादा काम करने के लिए है ही नहीं तो क्या करें? देख अंजलि अब तू फिर शुरू मत हो जा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हुआ क्या है भाई? देखना मैंने सर्वेंट को थोड़ा सा डांट क्या दिया, जॉब छोड़ के चला गया, मैंने ऐसा बोल क्या दिया उसे? नहीं नहीं दादी आपने ज्यादा कुछ नहीं बोला, आपने तो उसे सिर्फ इतना बोला कि
वो बैठ के पैसे ले रहा है, काम नहीं करता, और कहाँ कुछ बोला आपने। लेकिन दादी सच कहूँ तो आपने उसका दिल दुखाया। वो बेचारा कितना रो रहा था, मुझसे कह रहा था कि अब पता नहीं वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। दादी प्लीज रिलैक्स, अब जाने दीजिए, जो भी हो गया परेशान मत होइए। एक तो तुम पहले इतना सुनाती हो उनको, फिर उनको रुलाती हो, और अब चुप करवा रही हो। ये कोई तरीका है उनसे बात करने का? नहीं नहीं, इसने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मुझे मंदिर ले चलेगा, मैं मंदिर जाके भगवान से माफी मांग लूंगी। अंजलि तुम उनको मंदिर ले जाना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये चिल्लाएगी मुझ पे। मैंने कब चिल्लाया है आप पे? अच्छा तो सुनाती तो हो ना तुम, और वैसे भी मुझे इससे ज्यादा तुम अच्छे लगते हो, तो तुम ले चलोगे ना मुझे मंदिर? हाँ ले चलूंगा, क्यों नहीं, चलिए। बस अर्जुन ऐसे ही बिजी और खुश रहे, ताकि वो उस प्रीता और ऋषभ के बारे में सोच सोच कर खुद को तकलीफ ना पहुंचाए।